गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू द सनबीम स्कूल सुल्तानपुर ऑनलाइन क्लासेस। विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एफपीटीपी सिस्टम, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। फर्स्टली हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करा था। हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में कैसे यूज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ डज पीआर वर्क इन राज्यसभा इलेक्शन। पीआर मीन्स यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इजिली से पीआर बोलेंगे। पीआर वर्क इन राज्यसभा इलेक्शन, ये राज्यसभा में किस तरह वर्क करता है इलेक्शन में। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड पीआर सिस्टम ऑन लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। इंडिया में हमने पीआर सिस्टम को इनडायरेक्ट इलेक्शन में अडॉप्ट किया। हमारे इंडिया में कैसे इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हम लोगों ने क्लास 9-10 में रीड करा है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी जो इलेक्शन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन इन राज्यसभा एंड विधानसभा, फॉर द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन इन राज्यसभा एंड विधानसभा इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसको लिमिटेड स्केल, इसमें बताएगा लिमिटेड स्केल, तो लिमिटेड स्केल ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, बिकॉज ये इनमें जो मेंबर्स चूज होते हैं उन्हें डायरेक्ट पब्लिक नहीं चूज करती है, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाते हैं। इनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जैसे हमारे एमएलए और एमपीज होते हैं वो इनको चूज करते हैं। सो थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ पीआर सिस्टम, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव सिस्टम भी है, तब भी हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। बिकॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन। पीआर सिस्टम में जो राज्यसभा में अडॉप्ट किया गया है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। एवरी स्टेट हैज अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। अब डिस्कस करेंगे राज्यसभा में पीआर सिस्टम कैसे वर्क करता है। एवरी स्टेट हैज स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा के सीट्स के लिए हर जो स्टेट है उसका एक कोटा होता है। लाइक बिहार से जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो 16 है उनका कोटा, और यूपी में 31, मध्य प्रदेश में 11 और राजस्थान में 10। अब ये सोचेंगे आप नंबरिंग कैसे चेंज है, तो ये जो कोटा होता है ये पॉपुलेशन के बेस पे डिपेंड करता है कि जिस स्टेट की जिस तरह की पॉपुलेशन होगी उसका कोटा उतना ही निश्चित कर दिया जाता है। लाइक यूपी की जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए यहाँ का कोटा सबसे ज्यादा 31 है। ओके, दिस मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनडायरेक्ट, इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनडायरेक्ट वोटर्स बाय एमएलए। जैसे मैंने बताया जो इसके मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, इसके वोटर्स कौन होते हैं, एमएलए होते हैं। फर्स्टली हम राज्यसभा क्या है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस। बिकॉज परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक बार में ही रिटायर नहीं होते, हटते नहीं है, उनका जो कार्यकाल है उनका जो पीरियड है वो एक बार में नहीं हटता। बिकॉज इसमें टू थर्ड मेंबर्स हमेशा बने रहते हैं और 1/3 मेंबर्स जो है उनका जो वर्किंग पीरियड है वो कंप्लीट होता है, और वो एवरी आफ्टर टू ईयर्स बाद उनको चेंज कर जाते हैं, उनके लिए इलेक्शन होता है। अभी इलेक्शन किस इस इलेक्शन में कौन सा फॉर्मूला यूज करता है, फर्स्टली फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इलेक्शन में टोटल वोट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड प्लस वन। ठीक है, अब इसको अभी आप देखिए, इसको समझा दे। एवरी स्टेट हैज ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, मैंने जैसे बताया स्पेसिफिक कोटा होता है। अब कैंडिडेट हु वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज टू सिक्योर मिनिमम कोटा ऑफ राज्यसभा, और जो भी कैंडिडेट बनना चाहता है राज्यसभा उसको ये मिनिमम कोटा कंप्लीट करने पड़ेगा। मिनिमम कोटा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए वैकेंसी फॉर राज्यसभा सीट मेंबर इन राजस्थान, 4 वैकेंसी है राज्यसभा सीट के लिए राजस्थान की, एंड देयर इज आर 200 एमएलए वोटर्स राजस्थान से, 4 जो वैकेंसी है राज्यसभा की सीट के लिए, और वहां राजस्थान में कितने एमएलए हैं, टोटल 200 एमएलए हैं। तो क्या करेंगे, क्या था हमारा फॉर्मूला, टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स में क्या आ गए,
200 मेंबर्स, और कितनी सीट्स हैं? 4 सीट्स, तो 200 अपॉन 4 प्लस 1, तो 41 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 200, यानी कितना है 40 प्लस 41, यानी जो जिसको भी राज्यसभा का मेंबर बनना है राजस्थान की सीट से, उसको कितने वोट सिक्योर करने हैं? 41 वोट्स। अभी 41 वोट सिक्योर कैसे? व्हेन द वोटर्स आर काउंटेड, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिफरेंस वोट सिक्योर्ड बाय द ईच कैंडिडेट्स। अब जिसको भी जब काउंटिंग होगी, जब वोट्स डलेंगे, एमएलए, तो एमएलए क्या है? वो वोटर्स हैं। अब इन एमएलए ने इन 4 सीट्स के लिए वोट करा। अब हर पार्ट सफसली वोट करेंगे, तो एवरी ऑल पार्टीज पुट अप इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड इन राज्यसभा। फर्स्टली सबसे पहले जितनी भी पार्टीज हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो एक लिस्ट देंगी इन 4 सीट्स के लिए। अब सबने 4 सीट्स से सबने अपने 4-4 मेंबर्स की लिस्ट दे दी, तो टोटल मिला के कितने सीट्स मेंबर्स हो गए? 16। सीट्स तो ओनली 4 है, लेकिन मेंबर्स कितने हो गए? 16 हो गए। अब हर पार्टी ये चाहेगी कि जो मेरा कैंडिडेट है वही चूज हो, है ना। सबने अपने एक मेंबर दे दी, लिस्ट दे दी, अब ये हो गए टोटल 16 मेंबर, ओनली सीट्स हैं 4 है। तो व्हेन द वोट्स, अब इनके लिए वोटिंग डलेंगे, ये 400 मेंबर्स इनको 200 मेंबर्स इन 4 सीट्स के लिए वोट देंगे। अब सिंपल जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, ईवीएम मशीन होती है, जितने भी वोटर्स हैं यानी जो पब्लिक है वो जाके ईवीएम मशीन पे अपनी जो पार्टी है उसके कैंडिडेट है उसके पुश कर देती है और उसको वोट कर देती है। बट इन डायरेक्ट इलेक्शन में, राज्यसभा इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा, जितने भी वोटर्स हैं उनको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। लाइक एज एग्जाम्पल, एक बैलेट पेपर दिया गया, उसमें कैंडिडेट्स के नेम लिख दिए गए, टोटल जैसे मैंने बताया 16 मेंबर्स होते, उन 16 मेंबर्स के नेम लिख दिए गए, ए बी सी डी लिख दिया, ठीक है। अब ये जितने भी 200 मेंबर्स हैं इनमें वोट देंगे, तो ये नहीं कि ओनली उन्होंने ई को वोट दिया था तो ऐसे टिक का मार्क लगा, नो। अब उनके लिए मान लीजिए फर्स्ट चॉइस उनका ई है, उन्होंने ई को 1 दिया। अब सेकंड में वो डी को पसंद कर, जी को पसंद कर, उन्होंने सेकंड प्रिफरेंस दे दी, फिर वो थर्ड इसको दे दिया, फोर्थ इसको दे दिया, यानी फिफ्थ, उन्हें 16 के 16 मेंबर को प्रिफरेंस देनी पड़ेगी, 16 के 16 मेंबर को नंबरिंग बतानी पड़ेगी हम किस नंबर में किसको ज्यादा लाइक करते हैं, ओके। एवरी वोटर्स इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू हिज और हर इज प्रिफरेंस इफ आफ्टर द काउंटिंग टू ऑल फर्स्ट प्रिफरेंस वोट्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल टू फिल द कोटा द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड द लोवेस्ट वोट ऑफ प्रिफरेंस इज एमिनेटेड एंड हीज हर वोट्स ट्रांसफर टू द हु आर मेंशन्ड इन सेकंड प्रिफरेंस ऑन द बैलेट पेपर। अब मान लीजिए सबने 16 के 16 मेंबर्स को दिया, टोटल वोट्स कितने चाहिए थे? 41। अब किसी को भी 41 वोट्स नहीं मिले, लाइक दिस, मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स मेन मान लीजिए और सब पीछे कर दीजिए, ठीक है, 16 में से 4 कर लिए और जितने 12 है वो इनके जस्ट पीछे लग गए। फर्स्ट है राम है, सेकंड मोहन, सोहन, प्रसून, है ना, ये 4 मेंबर्स हैं। एक को तो मान लीजिए 39 वोट्स मिल गए, दूसरे को ओनली 36 ही वोट्स वो सिक्योर कर पाया, एंड थर्ड नंबर पे जो थर्ड प्रिफरेंस वो 25 ही सिक्योर पाया, सॉरी थर्ड पे याद है 36 ये भी सिक्योर करा और फोर्थ पे इसने 25 सिक्योर करे। तो जो फर्स्ट मेंबर है 39 ये अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ, इसको कितने वोट चाहिए? 41 चाहिए। तो हम इस फिफ्थ नंबर पे जाएंगे, फिफ्थ नंबर पे जो फर्स्ट प्रिफरेंस में होगा उसके वोट्स को इसमें प्लस कर देंगे, कि अगर मान लीजिए इसका नेम है तो इसके वोट्स पे, इसके वोट पे, या सेकंड नंबर पे इसके वोट में प्लस कर देंगे। तो जब तक ए लोवेस्ट के वोट्स को, जैसे अभी बताया लोवेस्ट वोट ऑफ फर्स्ट प्रिफरेंस इज एलिमेंटेड एंड हिज आर वोट ट्रांसफर टू द हु आर मेंशन एज अ सेकंड प्रिफरेंस ऑन दोस बैलेट पेपर, उस जो सेकंड प्रिफरेंस में होगा उनको इसमें एड करते जाएंगे। और जब तक ये 41 कंप्लीट नहीं हो जाएगा जितना कोटा, तब तक इसमें इसी तरह फर्स्ट प्रिफरेंस पे एड करते जाएंगे। और जब 41 कंप्लीट हो जाएगा तो उन 4 मेंबर्स, वो 4 मेंबर्स क्या होंगे? वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो जाएंगे। इट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।